अलाया अपार्टमेंट हादसे का दोषी कौन? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब बिल्डिंग कोलैप्स चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्डिंग कल रात गिरी और ऐसे गिरी मानो उसे गिराया गया है, एकदम भर भरा कर बैठ जाना। जैसे बरसात के दिनों में गांवों में कच्चे मकान भर भरा कर गिरते हैं या थे, क्योंकि अब तो कच्चे मकान होते नहीं है। अक्सर इस तरह की इमारतों के गिरने के हादसे पुरानी बिल्डिंगों के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला एक दशक से कुछ ज्यादा पहले का है, और यही वजह है जो इस बिल्डिंग कोलैप्स पर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन? कोई एक या फिर बहुत से लोग? हादसे में दो लोगों की मौत हुई है जो राजनीतिक परिवार से है। इस परिवार का संबंध दो दो राजनीतिक पार्टियों से है। परिवार का एक बेटा सपा की नुमाइंदगी करता है तो दूसरा कांग्रेस पार्टी का। जिस व्यक्ति का अपार्टमेंट है वो भी राजनीतिक पार्टी के विधायक का बेटा है तो मामले में राजनीतिक रंग भी आना स्वाभाविक है। हादसा ऐसी जगह हुआ जो सत्ता के गलियारों से ज्यादा दूर नहीं है। खैर, सरकार एक्टिव हो चुकी है दोषियों पर कार्रवाई के लिए, FIR भी हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हुई है, आगे और होने वाली भी है। बिल्डर की दूसरी इमारतों का चिन्हीकरण हो रहा है, जरूरत पड़े तो बुलडोजर चलाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि इस हादसे के लिए क्या सिर्फ वही लोग जिम्मेदार हैं जिनकी जमीन पर यह जानलेवा अपार्टमेंट बना था, या फिर जिस बिल्डर कंपनी जिसे यजदान बिल्डर बताया जा रहा है, वो एक बिल्डिंग को बनाने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, विशेषकर जब बिल्डिंग कई मंजिल की हो और रिहायशी हो। सबसे बड़ी औपचारिकता तो NOC की होती है, यानी सरकार की तरफ से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की। इसके बिना कोई भी बिल्डिंग अवैध मानी जाती है। तो सवाल यह है कि इसे NOC जारी किया गया था या नहीं, जारी किया गया था तो जांच हुई थी या नहीं। अगर बिना NOC और नक्शा पास के चार मंजिला इमारत खड़ी हो गई और उस पर पेंट हाउस भी बना दिया गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? कैसे एक दशक से खड़ी इस इमारत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई? सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती कि उसे कुछ मालूम नहीं। अधिकारियों को एक एक बात मालूम होती है, कार्यवाही तभी होती है जब इस तरह के हादसे होते हैं, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि कार्यवाही होगी ही। वक्त के साथ सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, कार्यवाही भी। इस तरह के हादसों के बाद बिल्डर्स पर कार्यवाही होती है, सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि इस तरह की इमारतों में फ्लैट खरीदने से पहले क्या क्या जानकारियां हासिल की जानी चाहिए और उन जानकारियों का सत्यापन करना चाहिए। लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं करते। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि बिल्डिंग में शिफ्ट होने से पहले जानकारियां हासिल की जाए? तो दोषी कहीं ना कहीं उन बिल्डिंगों में रहने वाले भी हुए। मत भूलिए कि इस तरह की बिल्डिंगों में रहने वाले अमीर और पढ़े लिखे तबके के लोग ही होते हैं, लेकिन फ्लैट कल्चर शायद उन्हें ऐसा करने से रोक देता है, और जब इस तरह का कोई हादसा होता है तब आरोप मढ़े जाते हैं। अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको अलाया जैसे बहुत से अपार्टमेंट मिल जाएंगे जो सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।